नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। 3-4 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, 4 आलूओं को उबाल करके और छील करके रख लिया है, 2 प्याज, नमक स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर, टमाटो केचप, हरी चटनी, गरम मसाला और हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए तो हमने बिल्कुल 1 चुटकी हल्दी पाउडर लिया है, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीर, ब्रेड, बेसन, अजवाइन। गैस पे हमने पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम पे। हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, सरसों का तेल है ये, और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़ा सा चला लेंगे, जीरा इसे भी मिला लेंगे, प्याज डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे इस तरीके से। ये प्याज हमारी भून चुकी है, बिल्कुल थोड़ा सा नरम हो गई है, हमको ज्यादा प्याज को नहीं भूनना है। और इस डाल देंगे धनिया पाउडर, धनिया पाउडर पूरा डाल देंगे, 1 चम्मच लिया था बड़े चम्मच में, और इसे भी मिला लें इस तरीके से। मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर इसे भी मिला लेंगे, और हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर बहुत कम लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया था। और यहीं पे डाल देंगे गरम मसाला, ये सबको डाल करके और एक बार इस तरीके से मिला लेंगे सबको। गैस को हमने मध्य रखा है, अब डाल देंगे आलू, आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, ये देखिए। अब हम डाल देंगे ये अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लिया था अमचूर पाउडर, इसे भी इस तरीके से मिला लेंगे। नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार, और इसे भी मिला लेंगे अच्छी तरीके से। सारे मसाले मिल चुके हैं, आलू भी अच्छी तरीके से इसमें पक चुकी है। अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये बेसन को हम घोल करके तैयार करेंगे, तो पहले हमने जो ये अजवाइन ली है तो इसको इस तरीके से क्रश कर लेंगे थोड़ा सा, और इसमें डाल देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा डाल देंगे नमक। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा सा इसमें आप मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। देखिए इसको इस तरीके से मिला लेंगे, इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा बेसन का घोल बन करके तैयार हो गया है, ये इतना होना चाहिए, ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा पतला हो जाता है तो उसमें कोट नहीं होता है ब्रेड में। तो ये देखिए अब हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर फूलने के लिए और आगे की तैयारी करते हैं। हम एक ब्रेड लेंगे और इसमें लगा लेंगे हरी चटनी जो हमने पीस करके रखी है, तो इसमें अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची भी है, बहुत ही स्पाइसी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली चटनी, ज़रूर इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये एक ब्रेड इस धर ले लेंगे और इसमें डाल देंगे हमने जो टोमेटो केचप लिया है उसको लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें अपने भर देंगे आलू की फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी है, वो डाल देंगे इसमें इस तरीके से, अच्छे से फिल कर देंगे और इस ब्रेड को रख देंगे इसी में और हम बीच से कट कर लेंगे इसे। ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है और इसी तरीके से सारी ब्रेडों को हम कट करके रख लेंगे। ये गैस पे पैन चढ़ा दिया है और तेल डाल दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे ब्रेड इस तरीके से और गैस को थोड़ा सा मंदी कर देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। अब हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से। ये हमारा ब्रेड पकौड़ा एक पक गया है तो इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से और थोड़ा सा किनारे में लगा देंगे ताकि पूरा इसका जो तेल है वो निखर जाए, और इसे निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से सारे हम ब्रेड पकौड़े बना करके तैयार कर लेंगे। ये हमारा ब्रेड पकौड़ा बन करके तैयार है, बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।